मेरे आत्मजनों, एक बहुत ही टाइमली स्टोरी है, सामायिक, एक जेन स्टोरी है। एक आदमी मर के ऊपर गया तो जैसा होता है उसका लेखा जोखा देखा गया। अब स्वर्ग मिलेगा या नरक, उस आत्मा की जान गले में अटकी हुई थी। खैर, उसे कहा गया कि आप इस फाटक से अंदर चले जाएं। अब वो घबराया हुआ धीरे धीरे अंदर गया और बेहद खुश हो गया। रंगीन बादल, बेहद खूबसूरत पहाड़, बर्फीली हवाएं, नदियां, झरने और सबसे बढ़कर अप्सराएं, नर्तकियां। लेकिन अब वक्त बीतने लगा और वहां का एक साल लंबा होता है यह हम आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, धीरे 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 एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे बेहद, यहां का एक स्लैंग है बहुत अच्छा, कंटाला आने लगा। उसने अफसर उसे कहा कि भाई, इससे तो अच्छा यह है कि आप मुझे कुछ काम दे दो। तो सबने कहा खुश रहना, काम दे दो। एक दिन, दो दिन, हफ्ता, तीन हफ्ते, 60 दिन। अब उसने अफसरों को बुलाया और कहा, मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, इससे तो अच्छा है कि मुझे नरक दे दो। तो उन्होंने जवाब दिया, अच्छा तुम क्या समझते हो, तुम कहां हो? तो जहां कर्म नहीं है, काम नहीं है, वो नरक है। इसका अंदाजा शायद आपको हो गया होगा। खैर, अब वक्त आ गया है कि प्रोएक्टिव हो जाएं हम सब, खूब जम के नहीं, पिघल के काम करें, बहुत सारा। लेकिन सिर्फ काम नहीं, एक ऐसा काम जो प्यार से लबालब हो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको हमारे वीडियोस एंटरटेन करते और एजुकेट करते फ्री, तो लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।